जिसमें अभी आप अपन पढ़ चुके हैं कि अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड, अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। जहां पे एक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, नाव की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, और वाई का मतलब होता है स्पीड ऑफ करंट या पानी के बहाव की स्पीड। तो जो पानी का बहाव होता है वो क्या होता है, वाई। अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लू, क्वेश्चन को सुनना, अ मैन रोज विद द स्ट्रीम, अ मैन रोज विद द स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। विद द स्ट्रीम मतलब बेटा डाउन स्ट्रीम, अ मैन रोज 14 विद द, अ मैन रोज विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर। अब आपसे इतना पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट, तो इतना मुझे विद द स्ट्रीम मतलब वो x प्लस y है स्ट्रीम के साथ के कितना 14, विदाउट द स्ट्रीम मतलब स्पीड के अगेंस्ट क्या है, x माइनस y इज इक्वल टू कितना 9। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो y से y तो क्या हो गया कैंसिल, x प्लस x कितना हो गया 2x is equal to what? 23, और x is equal to 23 by 2, that is 11.5. तो ये कि speed of क्या हो? Boat. और speed of current निकालनी हो, तो आप इसको उसमें से minus कर दो 14 में से, तो speed of boat कितनी आ जाएगी, 2.5. ठीक? तो ये with the stream का मतलब downstream होता है, against the stream का मतलब होता है upstream. मेरे पास एक और question है, अगर मैं question बोलूँ, a man can row, a man can row 4.5 किलोमीटर इन स्टिल वॉटर, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू कम डाउन, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब पहले बात तो आपको ये बात बोल के रखा है कि अ मैन कैन रो एट द रेट ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आर इन वॉटर, इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, एक्स, ठीक है ना। अब इसको ऐसा बोला है, इट टेक्स हिम ट्वाइस द टाइम टू रो अप देन टू कम डाउन, मतलब मेरे ख्याल से अपस्ट्रीम में जाने का टाइम शायद डबल है डाउनस्ट्रीम में जाने के टाइम से। तो अपस्ट्रीम के टाइम को अपन ने मान लिया T1 और डाउनस्ट्रीम के टाइम को मान लिया अपन ने T2। T1 का मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता है T1 का मतलब डिस्टेंस अपॉन, क्योंकि अपस्ट्रीम है इसलिए स्पीड क्या होगी, माइनस वाई, यहाँ पे 2, डी तो वही रहेगा, डिस्टेंस वही है, अपॉन में कितना एक्स प्लस वाई, जितना मैं समझ पा रहा हूँ डी से डी क्या होगा कैंसिल। आपको स्पीड ऑफ द मैन गिवन है कितनी है 4.5, तो अगर मुझे अलाउ करो तो मैं पहले इसको एक्स प्लस वाई को इधर भेज दूं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना एक्स माइनस वाई, और अगर ढंग से और सॉल्व करें तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस कितना 2y, वाई को इधर भेज दूं एक्स को इधर लो, तो शायद आ जाएगा x is equal to what 3y, x is equal to what 3y। अब बता x कितना गिवन है ऑलरेडी 4.5, तो अगर x is equal to 3y आ रहा है तो x कितना है 4.5 is equal to 3y, y is equal to 1.5 किलोमीटर पर। आपको स्पीड ऑफ करंट आ गई, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, बोट कैन रो, सुनिएगा ऐसा कभी गिवन हो, अ बोट कैन रो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर, इन 1 आवर। अब आपसे कुछ इक्वेशंस पूछी, पहला तो ये गिवन, ठीक, आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, तो पहले आपको टाइम वन निकालना पड़ेगा, टाइम वन इज व्हाट 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम हो रहा है, 20 अपॉन व्हाट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 2 आवर्स, टाइम टू इज इक्वल टू कितना किलोमीटर 40 अपॉन में कितना डाउनस्ट्रीम है, तो कितना आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 1,
Now here I will be ended with two equations. One would be x minus y is equal to 10 and the other would be x plus y is equal to what? 40. क्या आपको फिर सॉल्व करना है तो सॉल्व करूंगा तो क्या होगा y से y का वैल्यू कैंसिल 2x is equal to 50 x is equal to 25 then y would be what 15 क्या है क्लियर हो गया अब मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व करूंगा तब जब तुम इसके सारे एग्जांपल पढ़ लो एक दो बीच में